इंडिथिंक हमारी जो कंपनी है इसमें अगर सीनियर मोस्ट हमारे जो है हमारे आशीष सर, तो आशीष सर एक मिनट दो शब्द आप अपने लिए और अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग तो होती है, मतलब हमारे एक पार्ट है तो ऐसा अलग से क्या बोले, जो हमें भाई वो है। तो मैं अपने बारे में अपनी तारीफ कितनी भी कर सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, अपनी बहुत सेवा करता हूँ मैं। तो ना कि ये कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारे आगे टारगेट्स होते हैं लाइफ में, हम आज पूरे इंडिया में काम करते हैं, लगभग हर स्टेट्स में हमारे पास एसोसिएट्स हैं, हर स्टेट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े काम हमने किए हैं कि कोई सोच नहीं सकता है कि विद इन 5 or 6 days के अंदर 500 के आसपास ऑडिट करके आ जाना वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। बट यहाँ जो टीम कोर टीम बैठती है वो सब लोग मिलकर के पूरे इंडिया में इतने लोग कर रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट करके इतने बड़े से बड़े काम को 250 location 10 दिन 7 दिन के अंदर करना है और लेबर दे पा रहे, लेकिन कर कैसे पा रहे हैं जबकि शादी नहीं हुई है, वो अभी चलो मत ठीक है। लेकिन ये कि कर हम ऐसे पाते हैं क्योंकि एक मेंटल भी चाहिए होता है हमको, पीछे से एक बैकिंग चाहिए होती है, तो ये बोले पीछे से आकर के कि तुम कैसे, मतलब मैं हूँ पीछे से घर संभालने के लिए, तो मुझे मेंटल सपोर्ट होता है ना कि कोई हमेशा तुमको कहता रहे कि तुम करो आगे बढ़ने का सपोर्ट करे तुम्हें, वो बहुत जरूरी होता रहे। और तो ये जो सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी की लाइफ में, और वो सपोर्ट जनरली स्पीकिंग आता है, देखिए माँ बाप सबके होते हैं, परिवार सबका होता है, सदा सबके होते हैं, बट सबकी अपनी लिमिटेशंस होती है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा मेंबर है जो हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेगा, तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारी वाइफ की होती है। और तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुम लोग भी अपनी वाइफ का उस जगह पे जाकर सपोर्ट करो, क्योंकि होता ना कि कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वैसे मैं बताऊँ कि मुझे खाना पीना सब कुछ बनाना आता है, घर पोछा मैं कर देता हूँ, खाना बना लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मैं जल्दी देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर तुम घरों खाना देखो होते हैं बहुत सारे, तो गाँव में जाके बात करोगे तो लोग कहने लगते हैं, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर तुम अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो तो क्या शर्म करना तो पड़ेगा अल्टीमेटली, खुश होकर कर रहे हो तो जब करना ही है तो अच्छे से करो ना खुश होकर के, जो सपोर्ट तो बिना उनकी सपोर्ट के ये चीज पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो मैंने बताया कि हम इतने सारे काम कर पाते हैं उसमें एक्चुअल वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर एज ए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी को, चाहे वो इंडिथिंक हो, हमारे दूसरी इंडिथिंक एचआर हो, हमें अगर आगे प्रोग्रेस करना है, अभी कुछ दिन पहले भी टीम से बातचीत कर रहा था, इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ था कि आने वाले 5 साल के अंदर इस कंपनी को 50 करोड़ भी करना है। जब ऐसा टारगेट हमारे पास में है तो लिटरली मांगे हम सभी लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी लिटरली, कि जैसे पहले भी हुआ है कि कई बार नरेश जी हम 3-4 रात तक घर नहीं गए, बैठ के काम कर रहे हैं, मैं हमेशा साथ रहा, ऐसा मैंने कभी नहीं गया, मैं साथ में नहीं रहा, साथ में सब हमेशा, कभी 3 दिन ऐसा हुआ, कभी 5 दिन ऐसा हो गया, हफ्ते भर घर नहीं जा रहे, रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो जो 50 करोड़ का टारगेट हमें टच करना है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमारी फैमिली, हमारी वाइफ से ही आई है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है कि जिनकी शादी हो गई है तो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, और मेरी तरफ से कभी मैं सबको बोल देता हूँ, मेरी तरफ से कभी नहीं होता कि आप इसके साथ घूमने जा रहे हैं, मुझे कभी भी आपत्ति नहीं है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप जहाँ भी जाते हो बताया गया सब लोगों ने आपसे डिस्कस करते हो घर पर, मेरा हमेशा कहना होता है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आप टूरिस्ट प्लेस है, जैसे ऋषिकेश आप किसी काम से जा रहे हो, तो मेरा हमेशा कहना ये होता है कि बाइक को ऐसा टाइम सेट करके जाओ सैटरडे संडे आगे पड़ जाए, बच्चों को भी घुमा के आकर एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। देखिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारा खर्चा तो होना जो होना ही होना, लेकिन आपको एक क्वालिटी टाइम अपने वाइफ के साथ बच्चों के साथ मिल जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा काम ऐसा है कि रात के 1 बजे के लिए निकलना पड़ जाता है ना, अभी कुछ पिछले 3-4 महीने में ये भाई साहब तमिलनाडु जाके बैठे हुए थे, बैंगलोर में, कनाडा,
तो अब ऐसे में कर्नाटक बहुत खूबसूरत जगह है, बढ़िया। तो अगर इसकी शादी हो गई होती, जो कि नहीं हुई थी, है ना, विच इज वेरी सैड, हो जाएगी। तो शादी नहीं हुई, शादी हो गई होती तो ये अपनी वाइफ को लेके जा सकते थे वहां। और मैं बहुत इंकरेज करता हूँ इस चीज को, आप लेके जाओ बच्चों को, एंजॉय करो। तो काम आप एक दिन करोगे, एक दिन आपका काम हो जाएगा, दो दिन में काम पूरा हो जाएगा, बाकी का टाइम ठीक है, अपनी फैमिली को इन्वेस्ट करो, टाइम बर्बाद नहीं होता। दीपक को कुछ दिन पहले रांची गए थे, रायपुर गए, तभी मैंने ये कहा था। तो सबको मैं कहता रहता हूँ, बाकी लड़के जिनकी शादी नहीं, बहुत स्मार्ट है, ये अपना टूर ऐसा बना लेते हैं कि कहीं भी, वैसे बनारस भी घुमा है, वहां से प्रयागराज भी घुमा है, अयोध्या भी घुमा है, सबके दर्शन कराए, विच इज गुड पार्ट। अगर भगवान ने देखे, जब कहते ना कि जब भगवान आपको नींबू दे तो उसका सोडा पानी बना के पी लो, तो जब आपको ट्रेवल करना है, घूमना ही है, तो क्यों ना उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। काम के लिए आपको जाना है तो क्यों ना उसको एंजॉय किया जाए, मस्ती की जाए। अगर हम लाइफ को एक छोटी छोटी चीजों में भी अगर खुशी ढूंढते चलेंगे ना, तो हमें खुशी के लिए ना कुछ एडिशनल स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे, वरना जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। बड़े हो रहे हैं हम सभी लोग, उम्र बढ़ रही है ना, आगे और बढ़ेंगे, और 5 साल के जो टारगेट है 50 करोड़ का, तो उसको पाने के लिए हम और बड़े जल्दी बुढ़े होंगे, लेकिन हमको जो यंग रखेगा और फैमिली रखेगी, वाइफ रखेंगे, हमारा मोटिवेशन बन करके, हमें मेंटली सपोर्ट करके, क्योंकि इंसान बुढ़ा तब नहीं होता है जब उसका शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करता, वो बुढ़ा नहीं होता है। बुढ़ा इंसान तब होता है जब वो मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है। तो बेसिकली जो ये मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है पीछे से, एक जो पूरा हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी रेड साड़ियाँ हमारी वाइफ होती हैं। तो कि आप सब लोगों की सपोर्ट के बिना जो हमने ये टारगेट चूज किया है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ये मेरा वादा है सारे स्टेक होल्डर की तरफ से कि अकेले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे साथ हमारी पूरी टीम आगे बढ़ेगी, और हमने ये प्रूव करके दिखाया है हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो तब से लेकर के आज तक हमने हर साल डबल का टर्नओवर अचीव किया, हर साल डबल किया है, और उसको और हम ट्रिपल भी करेंगे और करते रहेंगे। सब जितने ये लोग हैं जो हमारी कोर टीम मेंबर है, ये एक्चुअल में एक कहते ना सपोर्ट सिस्टम इस कंपनी का, ये सब लोग हमेशा हमारे दिल के करीब करेंगे, क्योंकि इनके बिना एक्चुअल में कुछ पॉसिबल है ही नहीं। सपोर्ट सिस्टम के बिना आप सब लोग, जितने लोग यहां से ऑपरेट करते हो, आप लोग इस कंपनी की एक बहुत ही बड़ी पावर है। रात में उठ के भागना, 3 दिन 4-4 दिन एक काम के पीछे लगे रहना, जहां से बैठ के 50 लोगों के साथ फॉलो करना, हमारा आज हमारे पास में मौका है, हम एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें आपस में, कंपनी ना समझ के परिवार समझ के काम करें बस। बाकी तो मैं बोलता रहूंगा और ये लोग सुनते नहीं रहेंगे, ये लोग मेरे नहीं सुनते, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने मुझे भी ना आप लोगों की लाइन में डाल दिया, आप ही सुनते हैं नहीं सुनते, मेरे भी नहीं सुनते, मैं चिल्लाता रहा सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ये चलता रहेगा काम ले रहा हूँ लोगों का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस हैपन, और आगे शुरू करते हैं, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।